वेडली व्लॉग्स पे वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फॉर पंचपीर रॉक। पंचपीर रॉक कहूटा के पास एक खूबसूरत जगह है और ये तकरीबन इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की मुसाफर पर है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ऐसी ब्यूटी मिलेगी जैसे कि आपको कश्मीर में मिलती है। आज का जो टूर है वो हम लोग इज़्लो बाइकर के साथ कर रहे हैं। सुबह हम तकरीबन 5 बजे हम लोग इस्लामाबाद से निकले थे और रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर रुकते हुए तकरीबन 9 बजे वक्त पे पहुंचे हैं। पानी की ब्रेक ली है और अब हम वापसी करेंगे। ये साइड है जी पंचपीर रॉक की, इसके अभी आपने थोड़े से ड्रोन व्यू वगैरह देखे हैं। यहाँ से नीचे एक आबशार है, आबशार की तरफ जा रहे हैं। ऑफ रोड है सारा, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है, लेकिन ये जो ऑफ रोड है ये इंसान को थका देता है। बड़ी हिम्मत है यार इन लोगों की जो यहाँ पे रहते हैं, बड़ी टफ लाइफ है इनकी। हम लोगों ने थोड़ी सी हाइकिंग किया है तो भूख लगी। छोटा सा टूर था हमारा आज का इस्लामाबाद से पंचपीर। पंचपीर एक छोटा सा इलाका है कहूटा के पास, उससे थोड़ा सा आगे आके एक पंचपीर एक इलाका है। मेरे हाथ से यहाँ पे कोई पीर साहब थे, उनका नाम होगा पंचपीर। और यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है बहुत पथरीला है और साथ में ग्रीनरी भी बहुत है, मज़े की बात। अल्लाह अकबर, और इस्लामाबाद से हम लोग ने लतरार रोड से होते हुए ठंडा पानी से फिर होते हुए हम लोगों ने कोटली सतियाँ, और कोटली सतियाँ से हम लोगों ने फिर आ गया कि कहूटा की तरफ एक रोड मुड़ता है, वहाँ पे हमने लिया उसका टर्न। वहाँ से फिर कहूटा बाज़ार स्टार्ट होने से पहले एक बटर इलाका था, उसका आपको बोर्ड भी नज़र आ जाएगा वहाँ पर। अच्छा, उस बटर इलाके से हम लोगों ने लेफ़्ट लिया और लेफ़्ट लेने के बाद इस तरह का ना छोटा सा रोड आया, क्योंकि काफ़ी जगह पे आपको ऑफ रोड मिलेगा और काफ़ी जगह पे आपको वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तकरीबन आपको 2 घंटे आराम से लग जाते हैं अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करके आते हैं तो। यह कितने इसके ना
घने किस्म के वो दरख्त हैं ये यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा रोड है यहाँ। अच्छा यहाँ पे ज़्यादा ना आबादी नहीं है, किसी किसी जगह पर आपको ये थोड़े से छोटे छोटे घर नज़र आ जाते हैं, और इसलिए ये बड़ा पुरसकून इलाका है। अच्छा ये हम लोग अभी रॉक से नीचे आके ना, ये रास्ता है यहाँ से हम आके तकरीबन 8 किलोमीटर के बाद ये एक नीचे रास्ता जाता है आबशार के लिए, एक वाटरफॉल है बहुत अच्छा था, तो देखते हैं वहाँ पर क्या है। आप अगर हरिपुर जाए ना तो वहाँ पे एक अम्ब्रेला वाटरफॉल है, उससे मिलती जुलती ये वाटरफॉल है। डॉक्टर साहब आज हमें लेके आए थे लीड करके, और डॉक्टर साहब ने हमें आबशार दिखाई, मज़ा आ गया आज का ट्रिप का। अरे डॉक्टर साहब ये जो पत्थर है देखिए, लगता है किसी काट के रखे हुए हैं। हाँ ये केव है काफ़ी, मुझे लगता है ये इसके अंदर भी कोई रास्ता हो सकता है, काफ़ी अंदर करके ना केव। अब आए हैं तो थोड़ा सा एडवेंचर भी कर ही लेते हैं, वो ऊपर एक केव है तो वहाँ पे चलते हैं फिर, अब पता नहीं वहाँ पे क्या निकलता है। जब आप टूर पे जाते हैं ना, टूर पे आपको एक अच्छा हाइकर भी होना चाहिए। सीटियां सुनो, आवाज़ सुनना अपने देखें।